make you at least like little bit motivated to read this ISLM curve. So money market jo equilibrium hai is achieved when the supply of money and demand of money is equal. जो LM curve है, it's depicts equilibrium in the money market. और जैसे मैंने बताया IS curve commodity market की equilibrium को दिखाता है और LM curve money market की equilibrium को दिखाता है. A plot of the equilibrium interest rate for various level of output or income within the money market for a given level of nominal money supply. तो जो इक्विलिब्रियम है, जो इंटरेस्ट रेट जो बहुत सारे आउटपुट या इनकम डिसाइड कर रहा है, तो उसमें नॉमिनल मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए. तो मनी सप्लाई जो होती है मोस्टली, मैंने कल जैसे आपको बताया था, सेंट्रल इंडिया सेंट्रल बैंक लाइक RBI डिसाइड्स द नॉमिनल मनी सप्लाई कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. तो कितना आउटपुट है, कितनी इनकम है, उन सब चीज़ों से मनी मार्केट में देखा जाता है कि कितनी नॉमिनल मतलब मनी सप्लाई की ज़रूरत है मार्केट में. अब नाउ डिराइविंग द LM कर्व, ये डेरिवेशन यू हैव टू रीड बाय योर ओन बिकॉज आई थिंक इस तरह से, क्योंकि मैं अगर आपको बनाकर दिखा सकती तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी, पर यहाँ पर मैं आपको बनाकर नहीं दिखा सकती हूँ. यू हैव लाइक पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई थिंक प्लीज आई सजेस्ट यू टू रीड वंस दिस ISLM कर्व. अभी आपको बहुत हल्का सा आइडिया दे रही हूँ मैं इसका, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. An increase in income leads at a given interest rate to an increase in the demand money. Given the money supply, this increase in the demand for money leads to an increase in equilibrium interest. तो जैसे ही income बढ़ती है किसी given interest rate पे, तो जो money के लिए जो demand है वो भी बढ़ जाती है. या किसी money supply अगर दी हुई हो कि money supply इतनी ही मिलेगी या इससे ज़्यादा money supply market में नहीं है, तो द इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी. तो जैसे ही मनी की डिमांड में फ़र्क आएगा तो वो इक्विलिब्रियम में इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट को. सो यहाँ से इस चीज़ का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मनी की डिमांड भी बढ़ती है. तो जैसे जैसे आप देखते होंगे रिच पीपल का कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है तो उनकी जो मनी की डिमांड है वो भी और बढ़ती जाती है. एंड दैट विल क्रिएट, जैसे जैसे डिमांड फॉर मनी बढ़ता जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट आता जाएगा. एंड इक्विलिब्रियम इन द फाइनेंशियल मार्केट इंप्लाइज दैट एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा. द LM कर्व इज देयरफॉर अपवर्ड स्लोपिंग. तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर होगी LM कर्व में इंटरेस्ट रेट में और इंटरेस्ट इन इनकम इंक्रीज इन इनकम में. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा. दैट इज शोन बाय LM कर्व. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इस कर्व में जो रियल मनी है, मतलब जो MP एक सीधी लाइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज मनी सप्लाई की जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है. तो यहाँ पर ये जो मनी जो सप्लाई अगर बढ़ाई जाती है, मनी की जो डिमांड है सॉरी अगर बढ़ती है, मनी सप्लाई तो वहीं पर है, मनी की अगर जो डिमांड बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है. इंटरेस्ट रेट आप देख रहे होंगे वाई एक्सिस पे है, वो भी चेंज हो जाता है. एंड जो हम राइट साइड पर देख रहे हैं उसके थ्रू हम LM कर्व ड्राइव करते हैं जो कि पॉजिटिव है, जिसमें दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. ओके, सो दिस यू कैन क्लिक एंड और मे बी यू कैन रीड फ्रॉम योर नोट्स वट एवर इज अवेलेबल विद यू. अब प्रॉपर्टीज जो है LM कर्व की, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, एंड वैसे वैसे LM कर्व लाइक डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी. इंक्रीज डिक्रीज इन द रियल मनी सप्लाई शिफ्ट द LM कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. जैसे ही इंक्रीज रियल मनी सप्लाई में शिफ्ट होता है, आप यहाँ पर देखेंगे अगर रियल मनी जो सप्लाई है, अगर MP जो सीधी लाइन है उसको अगर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया जाए तो ऑब्वियसली जो सारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग LM कर्व ड्राइव होगा, डिफरेंट LM कर्व ड्राइव होगा. तो यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रियल सप्लाई शिफ्ट द LM कर्व. द स्टीपनेस और फ्लैटनेस, तो जैसे IS कर्व भी दो चीज़ों पर डिपेंड था, इलास्टिसिटी पे और मल्टीप्लायर इफेक्ट पे, तो यहाँ पर भी जो इलास्टिसिटी है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है कि कितनी मनी डिमांड बढ़ेगी और उसके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही
वो होगा, अगर स्टीप है, इनलास्टिक है, तो मतलब ज़्यादा मनी डिमांड में कम इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और अगर फ्लैट एलम कर्व है, लाइक टोटली इलास्टिक है, तो थोड़ा सा भी मनी डिमांड बढ़ने में इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा चेंज आएगा. और एल जो है, मनी जो डिमांड यहाँ पे एल जो डिनोट हो रहा है, वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है. अब नाउ कंक्लूजन, आईएस कर्व रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द गुड्स मार्केट, एलएम कर्व रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द मनी मार्केट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स एंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द टू मार्केट साइमल्टेनियसली. तो आईएस जो कर्व है, उसका अपना मार्केट है आईएस का, मतलब इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड जब बराबर हो जाएंगे, पर इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन है, दैट टेल्स अबाउट इक्विलिब्रियम इन द होल मार्केट. मतलब कमोडिटी मार्केट का इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है, वो हमारे मार्केट की इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है. ओके, सो नाउ दिस प्रेजेंटेशन आई एम कैंसलिंग. सो अभी मैं यहाँ पर, मैंने आपको सिंपल एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आई थिंक दैट इज लाइक रिमेनिंग. आई होप देर विल बी वन मोर क्लास, बिकॉज वन क्लास वॉज मिस्ड अर्लियर. सो अभी आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज जस्ट आस्क, देर आर लाइक जस्ट 3 मिनट्स लेफ्ट. एंड आई होप आपको समझ में आया, बिकॉज आई एस एल एम कर्व मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है आपको, एंड इट रियली नीड्स, लाइक मैंने थोड़ा सा स्लाइड भी अपने से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी मैं आई एस एल एम कर्व की, बिकॉज इट वॉज लाइक लॉन्ग. जो पहले हम लोगों ने केन्सर क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, तो इस वजह से मैंने आपको एक पीडीएफ के थ्रू उसको दिखाया है. बट आई विल ट्राई टू मेक, जैसे ही नेक्स्ट क्लास बनती है, तो मैं आईएसएल में आपको और अच्छे से बताना चाहूँगी. बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज़, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन्फ्लेशन पे, किस टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, मैंने आज आपको पढ़ाया द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केनिशियन थ्योरी, और किस तरह से क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी के क्या अजम्पशंस थे, केनिशियन थ्योरी के क्या अजम्पशंस थे, हाउ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इज डिटरमाइंड इन केन्स, सो दैट ऑल आई हैड टोल्ड यू. आपको अभी कुछ भी और आपको लगता है प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ क्वेश्चन पूछें. आई होप अगर आपको कुछ क्वेश्चन, बिकॉज कल मैं एक बार और इसको हाइड क्वेश्चन आंसर, ओके, मैं अगेन से मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स खोले हुए हैं, बिकॉज जैसे ही कल मैं लॉग आउट होने वाली थी, ओनली देन आई थिंक आप लोगों के पास, जहाँ से आप कैंसिल कर सकते होंगे, उसके जस्ट बराबर में क्वेश्चन एंड आंसर का एक आइकन बना हुआ है, तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस एंड प्लीज रीड जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जस्ट रिवाइज इट टुडे इटसेल्फ, सो यू कैन ग्रास्प मोर. और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें से, केंशियन और क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी से. सो नाउ इट्स जस्ट 1 मिनट लेफ्ट एंड देर इज नो क्वेश्चन. सो ओके गाइज, लाइक होप आप, अगर वन मोर क्लास होती है या जैसे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई बी गिविंग यू अनदर क्लास. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Still, if you want to ask question, I think I'm still live for 2 minutes. Rajendra ji, are you available here? I think he's not available here. Okay, So, ma'am, we can end it. okay. Thank you. Thank you, Rajendra. Thank you.